और बात करेंगे सिवनी की, जहां की तहसील लखनादौन में किराए से रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक यूपी के हाथरस का रहने वाला बताया जा रहा है। बीते दिनों मृत भवानी शंकर को पुलिस ने एक बच्चे के अपहरण के केस में जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में जमानत पर युवक रिहा हो गया था। वहीं मृतक युवक के भाई ने गोलीकांड पर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।